Hi. So from this video, we are going to start a new subject, which is reasoning and aptitude. So basically, हमारे गेट में reasoning and aptitude का जो वेटेज है वो है 13 to 15 marks. Okay, 100 में से आपको 13 to 15 marks किससे मिलेंगे? Aptitude से मिलेंगे, ठीक है? और बाकी देखो, एप्टीट्यूड तो आजकल हर कंपटीशन में आता है, ठीक है? सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो सीरीज है ये ओनली गेट के लिए है. गेट, एसएससी, रेलवे, कैट, एमबीए एंट्रेंस, बैंक पीओ, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में एप्टीट्यूड आता है, ठीक है? तो अगर आप गेट को छोड़ के किसी और कॉम्पिटिशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज का स्ट्रक्चर बता दूं, कोर्स स्ट्रक्चर, कैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी. देखो, सबसे पहले तो चैप्टर वाइज क्या होंगे, आपके पास चैप्टर वाइज सारे जितने कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन होंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, हर चैप्टर पे. आफ्टर दैट जब एप्टीट्यूड पूरा कवर हो जाएगा उसके बाद हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे. ऐसा नहीं है ओनली सीएस ब्रांच के, क्योंकि एप्टीट्यूड तो यार मतलब सेम ही है ना सबके लिए. तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मिल सकते हैं वो सारे कराऊंगा लास्ट में, ठीक है? सारा जब एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा, क्या करेंगे, पहले चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, फिर एक एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर वाइज, और जब ये सब ओवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे सारे, ठीक है? तो ऐसे करके आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और वैसे भी एप्टीट्यूड का जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं गेट में तो वो इतने टफ भी नहीं होते हैं, ठीक है? इन सारे एग्जाम में अगर मैं एप्टीट्यूड के टफनेस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टफ तो आपको पता ही है कि एमबीए के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सब में एप्टीट्यूड बहुत अच्छे लेवल का आता है, ठीक है? बट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम हर टाइप के क्वेश्चन देख सकें, एक ईजी से ईजी क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हमारा जो पहला चैप्टर है एप्टीट्यूड का वो है नंबर सिस्टम. सो वी विल डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम इन दिस लेक्चर. नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, सो एक लेक्चर में कम्प्लीट नहीं होगा, तीन या चार लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले आप लोगों को, सभी को ये पता होगा क्या होते हैं, ठीक है? क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट को भी पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है? सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिससे हम काउंट करते हैं, 1 2 3, ये क्या है, नेचुरल नंबर है. कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? कैसे डेनोट करते हैं, इसका जो सेट होता है उसे एन से डेनोट करते हैं, ठीक है? सिंपल सा है, इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है? और दे आर डेनोटेड बाई कैपिटल एन. ये क्या है, कैपिटल एन इसका सेट है. ओके, सेकेंड हमारा क्या है, होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं, ये भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं बट ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? इसके सेट को काय से डेनोट करते हैं, W से डेनोट करते हैं, ठीक है? ओके, सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है? उसके बाद थर्ड टाइप के हमारे जो नंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं बताओ. सो होल नंबर में हम लोग नेगेटिव नंबर ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे. माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1 2 3, ये सब क्या है आपके, इंटीजर्स हैं, ठीक है? इंटीजर्स को भी लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको आई से डेनोट करते हैं, ठीक है? एक को बोल दिया नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1 2 3. पॉजिटिव इंटीजर आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स, ठीक है? नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1, -2, -3. मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, ठीक है? ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर. जीरो क्या है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर, याद रखना, ठीक है? ओके, उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप क्या है,
रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत बार ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, जहां पे पी और क्यू क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। और एक कंडीशन और होती है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अगर पी और क्यू इंटीजर्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इंटीजर्स नहीं होंगे तो तुम क्या लिखोगे पी और क्यू की जगह? आप बोलोगे मैं रूट टू लिख दूंगा, रूट टू अपॉन थ्री। ये क्या है, ये रेशनल नहीं बचेगा। ठीक है, क्यों नहीं बचेगा? रेशनल की डेफिनेशन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू अगर जीरो के इक्वल हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा है जैसे थ्री अपॉन जीरो, तो थ्री अपॉन जीरो क्या हो गया, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। इनडिटर्मिनेंट क्यों? ये मतलब आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, थ्री अपॉन जीरो का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, सो ये कैसी फॉर्म बन गई? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, इनडेफिनेट फॉर्म, ये मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू दोनों इंटीजर है और जहां पे क्यू क्या है, जीरो नहीं है। तो ये है प्रॉपर डेफिनेशन रेशनल नंबर की। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो ये सारे सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जितने भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा सबको बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये मान के कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सो आप बोल दो कि दोस नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक और डेफिनेशन है रेशनल नंबर की, दोज नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जिसे हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो ना तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, अभी इनके मतलब हम समझते हैं, ना तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 0.125, क्या है ये, रेशनल है? इरेशनल है। पहले देखो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ क्या लिख सकते हैं, 125/1000, ये कैसे लिख दिया, पी वाई क्यू की फॉर्म में, क्यू जीरो नहीं है तो ये क्या है, रेशनल। ठीक है, इस टाइप के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो रहा है, देखो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ओके, एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है क्यू इज इक्वल टू 0.37373737 और अप टू इंफिनिटी, ये चलता ही जाता है। सो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 100 क्यू इज इक्वल टू 37, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट इधर चला जाएगा, 37 37 37 इनफाइनाइट टाइम्स। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 क्यू में से क्यू गया कितना बचा, 99 क्यू, इसमें से ये गया जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं आ रहा है तो ऐसे करके देख लेना। ठीक है, ये 0.3737 ये सब खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 37 बचेगा, सिंपल है। ठीक है, सो क्यू कितना आ गया, 37/99, मैंने क्यू क्या माना था, ये, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 37/99, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको जब मैं डेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ तो ना तो वो टर्मिनेट होते हैं, खत्म होते हैं, और ना तो वो रिपीटिंग होते हैं, मतलब रिपीट हो रहा हो कुछ ना कुछ उनमें। ठीक है, सो वो सारे डेसिमल्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके सर्ट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को, दोनों एक सेट है जिसमें सारे रेशनल नंबर हैं, एक सेट है जिसमें सारे इरेशनल नंबर हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया, अब उस पूरे सेट को क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ठीक है, ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आई वी। ठीक है, आई क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस वन। ठीक है, मान लीजिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन है, सो आई कितना आ जाएगा, रूट ऑफ माइनस वन। सो रूट ऑफ माइनस वन को ही एक्चुअली हम आई बोलते हैं। ठीक है, रूट ऑफ माइनस वन को आई बोलते हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई वी, जहां पे ए और वी क्या है, ए और बी आपके रियल नंबर्स हैं। याद रखना है डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, आई क्या है, आई की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ माइनस वन। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या करो, बी को जीरो रख दो, बी को जीरो रख दिया, क्या बन गया, ए। ए क्या है, रियल नंबर है, ये ए क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल नंबर्स हैं। क्यों है सारे रियल नंबर्स, आप बी को जीरो कर दो, जितने भी रियल नंबर है सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आप ए को जीरो रख दो तो आयोटा बी, आयोटा बी ये कैसा, बी कैसा है, बी एक रियल नंबर है और इसके साथ आई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये नंबर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, इसे बस हम इमेजिन कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दो, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, इस पूरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर्स हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी हैं। सो यानी कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर में कौन बड़ा सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ इवन नंबर आपको पता ही होंगे, इवन नंबर क्या होते हैं, जो दो से डिवाइड हो जाए, सिंपल है, और कुछ इसमें बताने का है नहीं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो दो से डिवाइड ना हो, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5। ठीक है, ये हैं सारे हमारे इवन ऑड नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स देखो, प्राइम नंबर की केवल इतनी सी डेफिनेशन याद करो, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स कितने हों, जिसके पास दो फैक्टर हो। ठीक है, उन दो फैक्टर में एक फैक्टर तो वन होता है और दूसरा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। जैसे मान लीजिए 13 कैसा है, प्राइम है, तो 13 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो वन होगा, वन से 13 कटेगा, और किससे कटेगा, 13 से, खुद से 13 कटेगा। सो जिस भी नंबर के दो फैक्टर हैं उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो नंबर प्राइम ना हो उन्हें हम बोल देते हैं कॉम्पोजिट नंबर, यानी जो किसी ना किसी से कट जाते हैं। ठीक है, यानी जिनके फैक्टर्स ग्रेटर देन टू होंगे। ओके, ग्रेटर देन टू क्या होंगे, कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स होंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो पेयर वाइज प्राइम हो, या फिर एक डेफिनेशन और है, इनका जो HCF निकले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना हो, वन हो। जैसे 21, 22 कैसे हैं, को प्राइम है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, 9 और 10 कैसे हैं, को प्राइम है। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो ओवरऑल मैंने अभी आपको जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स थे उन सब की डेफिनेशन बताई और ये बताया कि वो क्या होते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आपने अगर पूरा चार्ट देखा होगा तो देखो सबसे बड़े नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, आई बी की फॉर्म में। आई क्या है, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन। ओके, अगर मान लीजिए यहीं पे मैं बोल दूं बी जीरो है, बी जीरो हो गया, यानी ये टर्म नहीं है, ये टर्म बचे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। सो अगर बी जीरो हो गया, बी अगर जीरो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, अगर ए जीरो है तो उसे क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर, और अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसे हम सिंपली बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके,
इसके बाद वो रियल नंबर्स जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, पी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसे क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके अपोजिट जस्ट क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर में हमारे क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? नेगेटिव इंटीजर है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, और एक जीरो है आपके पास। ओके, अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स में भी हम बोल सकते हैं कुछ होते हैं प्राइम, और जो प्राइम नहीं बोलते होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉम्पोजिट, और एक और नंबर बचता है हमारे पास वन। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। याद रखना, वन कैसा होता है? ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। जो जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होंगे उनके जो फैक्टर्स होंगे वो ग्रेटर देन टू होंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटीजर्स होते हैं और दूसरे हमारे क्या बसते हैं, सेकंड टाइप हमारा क्या बसता है रेशनल नंबर में? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के भी आप तीन टाइप कर सकते हो। पहला हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे हैं? जैसे फ्रैक्शन इस टाइप का होगा कुछ 2/3, या फिर मान लिया 4/3। सो जहां पे पी वाई क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, जहां पे क्यू वन ना हो, ठीक है, जहां पे क्यू वन ना हो वो क्या होंगे आपके सारे फ्रैक्शन होंगे। ओके, अब अगर मान लीजिए p इज लेस देन q है, ठीक है, इसके आगे मॉड लगा लो, ठीक है, प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर ये बड़ा है तो इसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपने कुछ फ्रैक्शन ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे मैं क्या बोलूंगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, बस माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड डायरेक्टली कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद इरेशनल नंबर्स के भी दो टाइप होते हैं। इरेशनल नंबर्स के भी दो टाइप हैं। पहला होते हैं आपके सर्ट्स। कैसे होते हैं? रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर नहीं है इरेशनल, रूट फोर को टू लिख सकते हैं। ओके, रूट फाइव, रूट सेवन, ये सारे इन इस टाइप के इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? सर्ट्स। दूसरे क्या है इरेशनल नंबर? ट्रांसडेंटल नंबर। ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो एलजेब्रिक ना हो, एलजेब्रिक ना हो, जैसे आपका पाई है, ई है, ये क्या है आपके? ट्रांसडेंटल नंबर्स हैं। ये भी कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? एलजेब्रिक नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रांसडेंटल नंबर्स। ट्रांसडेंटल क्या डेफिनेशन है? जो नंबर्स एलजेब्रिक ना हो। ओके, सो ये सारा ओवरऑल थ्योरी थी नंबर सिस्टम की। ओके, आगे आप ये डायग्राम देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़े नंबर्स हमारे पास इस समय क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद क्या आते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर में भी क्या आते हैं? एक इरेशनल, एक रेशनल। रेशनल में क्या आते हैं? एक होते हैं फ्रैक्शंस, बाकी हमारे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स में भी नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ होल नंबर सिस्टम। ये हमारे पूरे नंबर सिस्टम का डायग्राम है। ओके, सो थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कौन से नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, आई क्या होता है? अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, आई स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? माइनस वन। आई क्यूब करूंगा कितना आएगा? आई क्यूब करूंगा, सोचो कितना आएगा। आई क्यूब को लिख लो आई स्क्वायर इंटू आई, कितना आ गया? माइनस वन, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन है, इंटू आई, कितना आ गया? माइनस आई। आई स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन। आई क्यूब क्या होगा? माइनस आई। आई की पावर फोर कर दो, कितना आ जाएगा? आई की पावर फोर को लिख लो आई स्क्वायर का स्क्वायर, ये कितना आ गया? आई स्क्वायर कितना है? माइनस वन का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? वन। ठीक है, सो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, इन्हीं से आई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से सॉल्व होंगे। अब ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, तो ध्यान देना इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, आई की पावर 12, आई की पावर 13, आई की पावर 14, आई की पावर 15 डिवाइडेड बाई आई की पावर 18, आई की पावर 19, आई की पावर 20, आई की पावर 21। सब में से क्या करो, आई की पावर 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी बाहर निकालो, आई की पावर 12 बाहर आया, यहाँ क्या बचा 1, इसकी यहाँ क्या बचा आई, यहाँ क्या बचा आई स्क्वायर, यहाँ क्या बचा आई क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आई की पावर 18, कितना बचा 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। अब यहाँ पर क्या होगा, आप एक गलती जरूर करोगे, आप क्या करोगे, दिस एंड दिस को कट, कैंसिल, ठीक है। लेकिन देखो किसी भी चीज को कैंसिल करने से पहले एक बार इतना देखना जरूरी है कि कहीं वो 0x0 की फॉर्म तो नहीं बन रही है, क्योंकि 0 से 0 आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है, इसके पास मैथमेटिक्स का कोई आंसर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। इसको और थोड़ा अरेंज या फिर सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आई, आई को मैं कुछ नहीं, आई स्क्वायर क्या था, आई स्क्वायर माइनस 1 था, माइनस 1, आई क्यूब क्या है, आई क्यूब आपका माइनस आई है, माइनस आई, ठीक है, इन सबको ऐड करोगे क्या मिल जाएगा, 0, और नीचे भी सेम चीज लिखी है 0, तो यानी क्या हो गया, आई की पावर 12 0, आई की पावर 18 0, 0x0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये क्या बन गया 0x0 विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, सो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ये तीनों लगा देते हैं, अगर आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो आपको ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ओके आगे चलते हैं, सो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इवन ऑड की, ठीक है। अब जनरली देखिए ये प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ना तो आपको इन्हें रटना है ना याद करना है, ठीक है, इतना तो आप मतलब एक मन में एग्जाम्पल लोगे तब भी आ जाएगा। इवन प्लस इवन इवन होता है, कैसे, 2 + 4 कितना है 6, इवन, ऑड प्लस ऑड भी इवन होगा, 3 + 5 कितना है 8, इवन, अच्छा 3 बार ऑड जोड़ते हैं तो ऑड आता है, कैसे, 1 + 3 + 5 कितना आया 9, ऑड आया, ठीक है, ऑड इंटू ऑड करो 3 × 5 = 15 ऑड आएगा, ऑड इंटू इवन करके देखते हैं 3 × 2 कितना आया 6, इवन, बिल्कुल ठीक है, इवन इंटू इवन 2 × 4 = 8 बिल्कुल ठीक है, इवन की पावर ऑड, इवन की पावर ऑड, इवन ही आएगा, ठीक है, ऑड की पावर इवन, ऑड की पावर इवन, ऑड आएगा, बिल्कुल ठीक है, इवन की पावर ऑड, इवन की पावर ऑड, ये दोनों सेम ही है, ओके, ये क्या है, ऑड की पावर ऑड, ऑड की पावर ऑड, ये भी तो ऑड ही है, तो कितना आया ऑड, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये जो मैं, ये मैं बताता भी नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप वो क्वेश्चन देखो, सो ये वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू डिजिट नंबर्स, दो डिजिट नंबर हैं, एक नंबर है ए बी, एक नंबर है सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए इज अनदर टू डिजिट नंबर प्रिपेयर्ड बाई रिवर्सिंग दी डिजिट्स ऑफ ए बी, ए बी मान लीजिए जो टू डिजिट नंबर है उसकी दो डिजिट है, इनको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दो, तो एक नंबर बनेगा बी ए, ठीक है, बता रहा है बी ए, इसको रिवर्स करने पे जो नंबर बनना है वो बी ए है, बोल रहा है इफ ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू 493 एंड बी ए इंटू सी डी इज इक्वल टू 2059, व्हाट इज द वैल्यू जी, सम ऑफ ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी का सम पूछ रहा है, ठीक है, ए बी इंटू सी डी गिवन है, बी ए इंटू सी डी गिवन है, ए बी प्लस सी डी का सम पूछ रहा है, बहुत बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के,
आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, सी डी से सी डी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कुछ ए अपॉन वन अपॉन ए इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, ए बी और सी डी इज इक्वल टू 493 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 493 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड। ऑड कब आता है, जब ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई होती है, चाहे ऑड इवन की मल्टीप्लाई करो चाहे इवन इवन की मल्टीप्लाई करो, हमेशा इवन आएगा, जब ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई होगी तभी ऑड आएगा। ठीक है, बस इस चीज को, अगर इस चीज की आपको नॉलेज होगी तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू 493, रिजल्ट कैसा है, ऑड, यानी डेफिनेटली ए बी और सी डी दोनों कैसे होंगे, ऑड होंगे 100%। ठीक है, अदरवाइज इनका मल्टीप्लाई ऑड आ ही नहीं सकता था। ठीक है, अच्छा ए बी इंटू सी डी हमारे कैसे हैं, ऑड, ओके, इसका मतलब ए बी कैसा है, ऑड है, ओके क्लियर है। सी डी की बात करें, वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑड आ रहा है, यानी बी ए और सी डी भी कैसे हैं, ऑड, यानी सी डी कैसा है, ऑड। आंसर में क्या पूछा है, ए बी प्लस सी डी, यानी ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड कितना आता है, एग्जाम्पल ले लो 3 + 5 = 8, ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन आता है, यानी आंसर कैसा होगा, इवन होगा, ये ऑड है ये ऑड है ये ऑड है, ये आंसर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव मल्टीपल गिफ्ट बाउचर्स ऑफ वैल्यू 101 107 111, ये मेरे पे कुछ गिफ्ट बाउचर्स हैं। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, सारे कैसे हैं, ऑड है, ओके, आई हैव टू पिक एग्जैक्टली 10 vouchers मुझे पिक करने हैं टू मेक पेमेंट ऑफ 1121, मुझे 10 vouchers पिक करने हैं, सो इन हाउ मैनी वेज आई कैन डू दैट, कितने तरीकों से मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मेरे पास ऑड नंबर है 3, एक है 5, एक है 7, ऑड में एक बार ऑड जोड़ते हैं कितना आता है, 8, अच्छा इन तीनों को ऐड करो देखो कितना आएगा, 15। ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर कितना आएगा, 14। एक चीज नोट करो, यहां पर ऑड नंबर्स को इवन टाइम्स जोड़ रहे हैं, यानी ऑड नंबर्स हैं दोनों, इनको मैंने 2 बार जोड़ा तो इवन आया आंसर, इनको मैंने 3 बार जोड़ा तो आंसर क्या आया, ऑड, इनको मैंने 4 बार जोड़ा तो आंसर क्या आया, इवन। तो यानी ऑड नंबर्स को अगर मैं इवन टाइम्स जोड़ूंगा तो हमेशा इवन आएगा, ऑड नंबर्स को ऑड टाइम्स जोड़ूंगा तो ऑड आएगा। मेरे पे 10 vouchers हैं, नहीं मेरे पास मतलब कुछ vouchers हैं लेकिन सारे कैसे हैं, ऑड हैं। ठीक है, इनमें से मुझे 10 vouchers पिक करने हैं और उन सबका मिला के पेमेंट मुझे 1121 करना है। एक्चुअली में आप अगर 10 odd number कोई से ले लो, आप चाहे सारे 101 ले लो या कुछ भी, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाओ, 10ों नंबर कैसे हैं, ऑड हैं। अब कोई भी ऑड नंबर हो उनको आप अगर 10 time जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। हमें हमें टोटल मनी कितनी करनी है, ऑड करनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर है नन। नहीं आया समझ में, फिर से देखो, आपको इसमें से कोई भी 10 vouchers कलेक्ट करने हैं। आप समझ लो 101 के पास आपके पास खूब सारे वाउचर्स हैं, सारे कैसे हैं, 101 101 107 के भी खूब हैं, आपको इन सब में से कुछ कुछ वाउचर्स पिक करने हैं, टोटल मनी आपको बनानी है 1121। लेकिन अगर आप सारे कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स को अगर इवन टाइम्स आप सम करोगे तो रिजल्ट इवन आएगा, सो 1121 का सम पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आया नन ऑफ बी, समझे। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ओके आए हुए क्वेश्चन हैं, ओके। नाउ हम लोग एक टेक्निक सीखते हैं, एक चीज है प्राइम नंबर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड करो कौन सा नंबर प्राइम है, तो उसका एक मेथड है, कैसे
जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है 629 प्राइम है या नहीं। अब बहुत बड़ा नंबर है, अब कहाँ तक आप सोचोगे। तो इसकी एक ट्रिक है, आप क्या करो 629 नंबर लो, इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना आएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा सोचो, देखो 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 625। सो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 25 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, लिस्ट डाउन करने हैं 25 से जस्ट एक बड़ा प्राइम नंबर, ठीक है। 2 से लेके प्राइम नंबर लिखना शुरू करो, 2, 3, 7, 5, 11, 13, 17, 19, 23 and 29। 25 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर लिख दिया। अब अगर ये 629 इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम है, अदरवाइज इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। सो अगर आप देखोगे तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नहीं है। देखो काफी कम हो गया नंबर, ठीक है। सो ये एक ट्रिक है जो आपकी हेल्प कर सकती है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 179। अब 179 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना आएगा, एग्जैक्टली आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, सो 13 का स्क्वायर है 169, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 13 पॉइंट समथिंग, ओके। तो 179 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 13 से जस्ट एक बड़े तक प्राइम नंबर लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये लिख दिए मैंने प्राइम नंबर। अब मैं चेक करूंगा इनमें से किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है 179। आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल दो ये नंबर प्राइम है, ठीक है। देखो सिंपल सी ट्रिक है, काफी कम हो गया नंबर, ठीक है। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, ओके। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। आज मैंने आपको सारे बेसिक चीजें बताई हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके, थैंक यू।